बेटी एक बार चल के लड़के को देख तो लो, मेरा दावा है कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाला बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ बेटी, हम लोग तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है, किसी अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे ना, आखिर तू हमारी इकलौती बेटी है। अच्छा ठीक है माँ, अब ज्यादा भावुकतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल ना करो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर बिना देर के हम सब चलते हैं। सभी बाला के घर पहुँचते हैं। अरे क्या बात है बहन जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया। जी बस आता ही होगा। तभी वहाँ बाला आता है। लो जी आ गया मेरा बेटा, ये लोग तुझे देखने आए हैं और ये इनकी बेटी नम्रता है। बाला के सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते, ये देख नम्रता और उसके परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो टकला है। हे भगवान, माँ पिताजी आप दोनों एक टकले से मेरी शादी करवाने वाले थे, अरे ये तो पूरा उजड़ा चमन है। देखो बेटी, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना गलत है, किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। बालों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। लड़का टकला है तो क्या हुआ, इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है। आप चुप रहिए जी, इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी सर पर बाल नहीं है। मैंने तो आपसे शादी कर ली, मगर मैं अपनी बेटी की शादी एक टकले से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या, कब से आप लोगों ने टकला टकला लगा रखा है, और माफ करना तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो, तुम लोग मेरे घर में आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ तो जा रहे हैं ना, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। नम्रता और उसके परिवार वाले उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नम्रता का छोटा भाई जाते जाते कहता है, टकला तेरा बाप टकला, और इस तरह बाला का रिश्ता टूट जाता है। फिर एक दिन सड़क के किनारे एक आदमी घूम घूम कर कंधी बेच रहा होता है। कंधी ले लो कंधी, एक से बढ़िया एक कंघी ले लो, नए जमाने की कंघी ले लो, अरे भाई ये ले लो। घूमते घूमते वो बाला के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब कंधी लोगे क्या, ये लो। तभी उसकी नजर बाला के सर के ऊपर पड़ती है। अरे माफ करना भाई साहब, आप इसे लेकर क्या करोगे, आपके सर पर तो बाल ही नहीं है, आपका तो स्टेडियम पूरा खाली है, चलता हूँ, कंधी ले लो कंधी ले लो। कंधी वाले की बातें सुनकर बाला को बुरा लगता है। उस समय बाला को ऐसा महसूस होता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज अगर है तो वो सिर्फ बाल है। बाला सड़क पर चलते हुए लोगों के बाल बड़े गौर से दिखता है। चलते चलते बाला एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया, थोड़े से बाल अगर मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता, सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। अरे भाई आज पहला इंसान देख रहा हूँ जो मंदिर आकर भगवान से अपने लिए बाल मांग रहा है। बेटा भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, अच्छी सेहत है, अच्छी नौकरी है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाओ सब ठीक हो जाएगा। बाला वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर बाला खाना खाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर सुबह जब बाला सोकर उठता है तो आईने के सामने अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। बाला के सर पर एकदम घने बाल आ जाते हैं। बाला खुशी से झूम उठता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरे सर पर बाल आ गए, लेकिन ये हुआ कैसे? दोस्तों अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।